हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। इसी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे हैं हम लोग, यानी कि एक तरह से कह लीजिए एमपीजी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो इसमें अभी तक इस तरह के हम लोग 20 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 21वां टेस्ट है। ठीक, याद रखिए टेस्ट आप लोग तभी देते हैं परीक्षाएं जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। और मॉक टेस्ट देने का मतलब सीधा सा ये होता है कि हम अपनी औकात का पता लगाते हैं कि आखिर हमारी औकात कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो इससे पहले आपको सामान्य ज्ञान को डिटेल में पढ़ना होगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको बेहतर फायदा होगा और आपकी तैयारी का पता भी चल सकेगा कि कहाँ किस लेवल में जाकर पहुँची है। हमारी तरफ से भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया गया है। 17 घंटे की क्लास है, एक ही क्लास में पूरा मध्य प्रदेश आपका कवर किया गया है और बहुत अच्छी तरह से किया गया है। कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। एक क्लास आपकी पूरी सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। ठीक है, तो चलिए 21वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध भैरूगढ़ छीपा शिल्प किस जिले से संबंधित है? विश्व प्रसिद्ध भैरूगढ़ छीपा शिल्प किस जिले से संबंधित है? ये आपका उज्जैन से। क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा? ए ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंघी शिल्प की खोज का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? कंघी शिल्प की खोज का श्रेय आपकी बंजारा जनजाति को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो में आपका सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सुरौती क्या है? सुरौती क्या है? यह एक लोक चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है आपका चार, भरथरी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका मालवा अंचल से। क्वेश्चन नंबर चार में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है पांच, विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है? विदेशिया गायन आपका बघेलखंड में प्रचलित है। सी में क्या होगा आपका? पांच में सी होगा, सॉरी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है आपका बधाई। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर छठवें में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका सात, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य है माच। साथ में आपका सी। क्वेश्चन है आठ, क्या क्वेश्चन है हमारा आठ? थापा क्या है? थापा एक लोक चित्रकला है। आठ में आपका ए होगा। क्वेश्चन है नौ, गरवी गीत किस अंचल में गाए जाते हैं? निवाड़। नौ में आपका बी होगा। 10, लावणी गीत कब गाए जाते हैं? सुबह, सुबह में गाए जाते हैं। ठीक है, लावणी गीत सुबह के समय गाए जाते हैं। 10 में आपका सी। क्वेश्चन है 11, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 11, हीड गायन शैली किस प्रकार की होती है? हीड गायन शैली आपकी प्रतिस्पर्धात्मक आलाप शैली है। 11 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा
कुलदेवी का भीतरी चित्त है, तो इसमें ईरत बारे में क्या होगा? ईरत, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 13। डिमराई, डिमर याई है, क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य। 13 में आपका ए। क्वेश्चन है 14। पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो याद रखना निवाड़, कहाँ? निवाड़, सी ऑप्शन 14 में सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 15। क्या है क्वेश्चन 15? सुपारी शिल्प संबंधित है, सुपारी शिल्प संबंधित है, रीवा से, कहाँ से? रीवा से संबंधित। 15 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 16। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का प्रमुख नृत्य है, यानी कि भील जाति का प्रमुख नृत्य है? यह आपका भगोरिया। 16 में आपका डी होगा। 16 में क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कौन सी जनजाति परध्वनि नृत्य करती है? तो यह आपकी बेगा। 17 में आपका सी। क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पार्वती की तपस्या से संबंधित मात पूजा के त्योहार के रूप में किया जाता है? तो ये आपका काठी नृत्य। 18 में आपका सी। क्वेश्चन है 19। मालवा का लोक नृत्य है, मालवा का लोक नृत्य है आपका मटकी नृत्य। 19 में आपका बी। क्वेश्चन है 20। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना ये आपका नई दिल्ली में मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये सब जैसे भी क्वेश्चन आता है तो कोई भोपाल लगा देता है, कोई इंदौर, कोई उज्जैन, लेकिन आपको याद रखना है ये नई दिल्ली में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वेरा याटा क्या है? ये आपका बुंदेलखंड का लोकगीत है। 21 में आपका ए। क्वेश्चन है 22। बहलोल क्या है? बहलोल आपका बघेलखंड का लोक नाट्य है। 22 में आपका बी है। क्वेश्चन है हमारा 23। कांसे के प्रसिद्ध बट लोही नामक पात्र कहाँ बनाए जाते हैं? कांसे के प्रसिद्ध बट लोही नामक पात्र आपके सतना में बनाए जाते हैं। 23 में आपका सी है। क्वेश्चन है आपका 24। बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुएं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, यह कौन सी शिल्प कला है? ये आपकी भरेवा शिल्प। 24 में आपका सी होगा। 24 में क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 25। क्या है? प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में बिस्तर शिल्प का विकास हुआ है? तो याद रखना यह है मंदसौर एवं रतलाम। 25 में आपका क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 26 आपके सामने।
निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सोरैती लोक चित्रकला की विशेषता है? दिवाली दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाने वाला भित्री चित्र। 26 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 27, क्या है? सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये आपके लोक चित्रकला है सूची एक में, और सूची दो में अंचल है। मामूलिया बुंदेलखंड से, संजापुली संपूर्ण मध्य प्रदेश, चित्रावण मालवा, ईरत निवाड़। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आईएएस में यानी कि सिविल पर सर्विस की प्रीलिम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब आपके यूपीपीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इस तरह के अधिकतर क्वेश्चंस नहीं आते, अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, लेकिन पैटर्न बदलता रहता है, इसलिए आपको हर तरह से ढलना जरूरी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन क्या है 28 हमारा? निम्नलिखित गीतों में से कौन सा गीत मालवा अंचल में गाया जाता है? निम्नलिखित गीतों में से कौन सा गीत मालवा अंचल में गाया जाता है? भरथरी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन, ये सभी। क्या होगा 28 में? ये सभी। बात करें 29 की। ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन किस लोकगीत की विषय वस्तु है? तो ये आपकी हीड़ गायन की। 29 में आपका बी होगा। 29 में क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 30। श्रावण भादों के महीनों में विशेषकर तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सेरा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है आपका? ए। क्वेश्चन है 31। स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुककर नृत्य करते हैं, थावटी नृत्य। 31 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें हम लोग 32वें क्वेश्चन की, क्या अगला क्वेश्चन हमारा 32। छाहोर लोकनाट किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका बघेलखंड से संबंधित है। छाहोर लोकनाट किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड से। 33। टोन क्या है? ये आपका भील जनजाति का लोकवाद। 33 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है आपका 34। बिनाकी नृत्य का संबंध किस वर्ग से है? किसान। 34 में आपका क्या होगा? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। रथ त्रवाह त्योहार मुख्यतः कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये है आपकी बेगा जनजाति। 35 में आपका बी है। क्वेश्चन है आपका 36। पालतू जानवर किस मेले में बेचे जाते हैं? मध्य प्रदेश में पालतू जानवर किस मेले में बेचे जाते हैं? तो ये आपका नागाजी का मेला। 36 में क्या होगा आपका? बी। 36 में बी। 37। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? सिंगाजी का मेला आपका पश्चिमी निवाड़ में लगता है। 37 में क्या होगा आपका? बी। 37 में बी। क्वेश्चन है 38।
महामृत्युंजय मेला किस जिले में लगता है? महामृत्युंजय मेला आपका रीवा में लगता है। 38 में आपका ए होगा। 39, सनकुआ का मेला किस जिले में लगता है? सनकुआ का मेला आपका दतिया जिले में लगता है। 39 में क्या होगा? बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्या है हमारा 40 क्वेश्चन? कालू जी महाराज का मेला किस स्थान पर लगता है? कालू जी महाराज का मेला आपका पश्चिमी निवाड़ में लगता है। 40 में क्या होगा? सी। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। क्या है 41? माघ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? सिवनी में। 41 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 42, हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर। हरेली यानी कि हरिणी नामक पर्व मालवा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हरिया गोधा। 43 में आपका सी होगा। 43 में क्या होगा? सी। चवालीस, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विवाह का स्वरूप लिया है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विवाह का स्वरूप लिए है? यह है आपका अखतीज। 44 में आपका डी है। क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से किस पर्व को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है? तो यह आपका नवा नवन्नम यानी कि नवात। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है आपका 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है। बड़े बाबा का मेला देवास में लगता है? गलत है। बड़े बाबा का मेला दमोह में लगता है? ये आपका सही है, बी ऑप्शन। बड़े बाबा का मेला बौद्ध धर्मावलंबियों को समर्पित है? ये भी आपका गलत है। तो 46 में क्या होगा? बी ऑप्शन। सैतालीस, धामोनी उर्स धामोनी उर्स किस संत की मजार पर आयोजित होता है? तो ये आपका मस्तान शाह है, बाली। 47 में आपका डी होगा। 47 में डी। क्वेश्चन है हमारा 48। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है यानी कि गलत कथन है। सिंहस्थ मेला छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है? बिल्कुल सही है। रामलीला का मेला भांडेर में लगता है? सही है, दतिया जिले में है। बरवान का मेला नरसिंहपुर जिले में मकर संक्रांति पर लगता है? ये भी आपका सही है। सिंगाजी का मेला क्या है? सिंगाजी का मेला पिपल्या खुर्द में मई जून में लगता है? ये आपका गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिंगाजी का जो मेला है ये पश्चिमी निवाड़ में लगता है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, तो डी ऑप्शन आपका असत्य है। 48 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 49, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस संभाग में लगते हैं? तो याद रखना, उज्जैन संभाग में सबसे ज़्यादा आपके मेले लगते हैं। क्वेश्चन है 50, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है। सूची एक में आपका मेले और सूची दो में स्थान है जहाँ लगते हैं। शहाबुद्दीन उर्स ये आपका लगता है नीमच मंदसौर में।
पीर बुधान मेला, ये आपका लगता है सावरा शिवपुरी में। धामोनी उर्स, ये आपका लगता है धामोनी सागर में। मठ घोगरा, ये आपका लगता है भैरो थान सिवनी में। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या होगा? बी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किसानों का है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किसान मनाते हैं? तो ये आपका हरेली। 51 में आपका सी। क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है? चरण पादुका मेला दमोह में लगता है। गलत है। चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। ये आपका सही है। 52 में क्या होगा आपका? बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 53। निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म है, यानी कि गलत है। शिवरात्रि फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को लगता है, होता है। सही है। औला नवमी अघन मास में, ये आपका गलत है। बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, सही है। होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, ये सही है। तो इसमें गलत क्या है? पी ऑप्शन 53 में आपका बी हो। तो चलिए, ये था आपका 21वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 22वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे आपके।